स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय किस्तान में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय किस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। मैं सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड, IRCTC की जो रेल वेंट एप्लीकेशन है उसमें आपको एक नया पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस पेमेंट ऑप्शन का आपको यूज करना है कि नहीं। फ्रेंड, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें, बेस्ट पेमेंट ऑप्शन आपके लिए UPI पेमेंट मेथड ही होगा, न कि क्रेडिट कार्ड न ही डेबिट कार्ड। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों तत्काल टिकट में ना हर सेकंड की बहुत वैल्यू मानकर आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे और अगर आप बिजी रूट की ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके हाथ से 100% चांस है कि वो टिकट मिस हो जाए। अब दोस्तों, अगर आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो कंपनियां बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दे रही है। हालांकि दोस्तों आपको EMI का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फ्रेंड जब वहां पे आप जाएंगे तो 15% आपको GST पे करना पड़ेगा जो भी आपकी अमाउंट रहेगी। और फ्रेंड एक ही बैंक आपको शो करेगा वहां पे, Citibank। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसे यार रेल यात्री जिनके पास दोस्तों Citibank का कार्ड है वो दोस्तों इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें बेस्ट पेमेंट ऑप्शन, और दोस्तों अगर हम बात करें कि अभी आप टिकट बुक करें पेमेंट बाद में करें उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, दोस्तों अभी एक नया ऑप्शन जुड़ गया है जिसमें है कैश ई। कैश ई का दोस्तों एक ऑनलाइन पूरी तरह से फीचर है, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और फिर क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी दोस्तों आपको टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। बट फ्रेंड इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं 1000 के आसपास में दोस्तों up to 3% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपके पास पैसा नहीं है और आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड का यूज कीजिए दोस्तों। उसमें दोस्तों आप जाएंगे पे बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड का दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट फीस बहुत ही कम है। तो मैं आप सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे रेल यात्री अगर अचानक जिनकी ट्रेन टिकट बुक करने की नौबत आती है तो उनसे रिक्वेस्ट है पेटीएम पोस्टपेड का यूज करें। अब दोस्तों बहुत से रेल यात्रियों को समझ में आ रहा होगा, सर पेटीएम पोस्टपेड में अकाउंट कैसे बनाए? उसके लिए दोस्तों पहले आपके पास पेटीएम में अकाउंट होना चाहिए, और पेटीएम के साथ साथ दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अकाउंट होना चाहिए। पेटीएम पेमेंट बैंक में भी दोस्तों अकाउंट होना चाहिए। पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं रहेगा तो भी फ्रेंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आपका पेटीएम KYC कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड, जब दोस्तों उसको आप आधार और पैन नंबर डाल के ओके करेंगे तो फ्रेंड आपको एक लिमिट दी जाएगी, जैसे 5000, 6000, 10000 कि आप एक मंथ के अंदर 10000 तक ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इस पोर्टल का यूज करके। तो फ्रेंड ऐसे ही सेम दोस्तों अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे और आपके उसमें पेटीएम पोस्टपेड में अगर लिमिट बचा रहेगा तो इसी तरीके से फ्रेंड आप उसका यूज करके ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। कैश ई का दोस्तों मैं इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना चाहते हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों कैश ई में आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना है। पेटीएम पोस्टपेड में दोस्तों एक बार आपको फर्स्ट टाइम पेटीएम अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पेटीएम नंबर से लॉगिन करना होगा, उसके बाद दोस्तों एक OTP डालना होगा, फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो पेमेंट कट जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे और पेटीएम पोस्टपेड में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां आपका दिखेगा कि आपको इतना अमाउंट इतनी तारीख तक का पे करना है। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी ने इस वीडियो में। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आई थी, वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे रेल आते हैं जो कुछ कुछ चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, उनका कंफ्यूजन भी दूर करना बहुत जरूरी रहता है। कैसी भी दोस्तों सही है, इसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से पेमेंट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मिलते हैं किसी ने इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।